हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे आप लोग। तो वीआईटी की प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस हो रही होगी 4 जुलाई की, जिसके कि हम तीनों शिफ्ट की बात कर रहे होंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। एंड इसके पहले भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी आए 30th, 1st, 2nd, 3rd, सब कुछ। इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल चेक करो t.me/luckyjethaniitb, उसमें ज्वाइन कर लो। इसके नोट्स, पुराने नोट्स तुम्हें सब मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिए ताकि तुम्हारा सारा कुछ एक्सेस हो जाएगी। मेक श्योर चैनल में पहली बार आए थे तो एक लाल बटन दिख रहा होगा, ताकि तुम उसे, जो लाल बटन दबाने से एक फायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तुरंत आएंगे ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास। अब सबसे पहली चीज आती है कि अगर तुम निंजा के लिए वीआईटी या बिटसार्ट के लिए कोर्स परचेस करना चाहते हो तो ये 699 का कॉस्ट आ रहा होगा। इसके 150 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे विद द ट्रिक्स, एंड उसके बाद तुम्हारे पास तुरंत ही ये सब वीडियोस एक्सेस जाएंगे। इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, जैसे तुम व्हाट्सएप पेमेंट करते हो तो तुरंत तुम्हारे पास ये वीडियोस एक्सेस हो जाएंगे, जिसको कि तुम 24 आवर्स के अंदर तुम सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट करें धमाकेदार के साथ। ये जो बच्चा ये देख के आया था फोर्थ जुलाई का, डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट, कैसा था तुम्हारा पेपर, है ना, ईजी था, मॉडरेट था, टफ था, कौन से शिफ्ट के थे ये। और प्रीवियस वाले बच्चे भी जो देख रहे हैं तो उनका कैसा क्या रहा पेपर, डेफिनेटली जो है कमेंट करके बताएं। बस जल्दी ही तुम्हारे अब रिजल्ट्स भी आएंगे, उस पर भी अपन सारा कुछ डिस्कशन करेंगे ये। चलें वीडियो को एंड तक देखना, बनना कोई फायदेमंद नहीं है। हमने पहले ही बता चुका है, आप जो प्रीवियस जो आगे की शिफ्ट्स के लिए वो सब कुछ क्लियर है। देखो क्या आता है चीज़ें ये, है ना, अब तक तो तुम्हें भी क्लियर हो गया होगा आता क्या है ये। सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है भैया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद फिर फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक, है ना, सारे रिएजेंट्स हो गए, रिएक्शंस हो गए, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, है ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है ये। यही अगर मैं बात करूँ मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वेक्टर थ्री में भर भर के, हर बार की तरह भर भर के, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद हो गया इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हो गई मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, है ना, ये सब चैप्टर्स है जिससे कि ज़्यादा वेटेज देखा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5-6 चैप्टर्स हैं जिसमें कि तगड़े लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5-4, 4-4 ही है, ठीक है। और फिजिक्स की बात करूं तो तुम्हारे पास हो गया मैग्नेटिज्म, हो गया लॉज ऑफ मोशन, हो गए इलेक्ट्रिसिटी, हो गई, इस टाइप के सवाल थोड़े से ज़्यादा देखे जा रहे हैं ये, है ना। हर बारी मैं ये बताता हूँ जब वीडियो स्टार्ट करते हैं ये, और फिर हर बारी तुम नहीं अटेंड करके जाते हो, फिर बोलते हो चीज़ें नहीं आई। LR इंग्लिश के लिए तुम्हें बताया था, इंग्लिश के लिए मैंने तुम्हें टेलीग्राम में चेक करना, मैंने तुम्हें बताया था कहाँ से आएगा, क्लास 12 की NCERT से तुम्हें पढ़ के जाना ये, और जो मेरे वीडियोस हैं वो जरूर देख लो। साथ ही साथ तुम क्या करो, LR के तो पूरे वीडियोस देख लो, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तुम्हें सारा पैटर्न तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो उसके बाद क्लॉक वाली भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिसिंग टर्म वाली भी प्रॉब्लम आ रही है, जितने लेवल्स के अपन ने प्रॉब्लम डिस्कस की है उस टाइप की सारी प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब कई बार क्या हो रहा है ना, क्वेश्चंस रिपीट भी कर रहे हैं, ये रिपीट वापस रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि 4th जुलाई शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं, 4th जुलाई शिफ्ट 2 बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा था ये, हमने अभी थोड़े दिन पहले ये डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, H2O, फिर H2S, फिर उसके बाद H2SE और उसके बाद H2TA। एक बार चेक करना, डेफिनेटली मैंने डिस्कस भी किया था, कमेंट बॉक्स में भी तुम देखोगे पिछले वाले में, उसमें कमेंट भी था, ये था कि नहीं, हाँ सर था ये, एक बार चेक करना, ये तुम्हें याद है कि नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, याद है कि नहीं, ये होमवर्क अभी बताएंगे तुम्हें क्या करना है, ठीक है। ये 4th जुलाई शिफ्ट 2 में आया था, आइसोटोन का मीनिंग पूछा था, आइसोटोन का मीनिंग, तो आइसोटोन जो होते हैं वो होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आइसोटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्वेश्चन था, कई सारे दिए होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगाना था ये, ठीक है। तीसरा जो था उसमें स्ट्रक्चर बताना था, तीसरा जो था जिसमें कि हमें स्ट्रक्चर बताना था, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन जो था जिसका हमें स्ट्रक्चर बताना था, तो आई थिंक स्ट्रक्चर जो आता है उसका जो होता है ये C3COO C6H4COOH, ये है ना, ये पार्ट होता है, ये एसिटाइल सेलाइक साइक्लिक एसिड ये, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन जरूर देख लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आया था बॉइलिंग पॉइंट, आइसोटोन का मीनिंग आया था, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था, ध्यान से देखते कि पूरी वीडियो के एंड तक देखना तो तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर 0 से लेके 8 तक गजब कहानी देखो, ये 0 x की पावर 13, 8 − x की पावर 13 + x की पावर 13 और dx, इसका डायरेक्ट आंसर आता है बच्चे, डायरेक्ट आंसर ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, b − a / 2 ख़त्म कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 के बराबर ही, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन मार्क्स की तरफ से आया था, एक पॉइंट अपन को गिवन था, कौन सा पॉइंट, ये हमें पॉइंट गिवन था और एक लाइन गिवन थी, कौन सी लाइन, ये लाइन एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 7। फिर पूछा था इमेज निकालना है, इमेज भैया ये पहले भी जेई में आ चुका ही है ना, पहले भी। तो इसको एक काम करते हैं, आज आज के लिए होमवर्क नंबर 1 इंक्लूड कर लेते हैं ये, ठीक है। एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 7, इसमें ये निकालना था। दूसरा भाई साहब ऐसा था कि कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर C4H6 के कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, तो वो 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, कितने, 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर ये, ठीक है। और एक डिस्टेंस पे भी आया था, लेफ्ट राइट करके लिखा था, जैसे लेफ्ट कितने जाएंगे, नॉर्थ कितने जाएंगे, तो उस पर एक सवाल आया होता डिस्टेंस पे। ये एक आध सवाल इस पे इस टाइप के आ रहे हैं डिस्टेंस टाइप के, तो वो जरूर देख लियो। अब इसमें ना एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपन को गिवन थी 0.3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन थी 0.4, एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार हमें गिवन था। फिर हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुमसे पूछा था बी बाई ए यूनियन बी, इस टाइप का कुछ गिवन था ये, ठीक है, बी बाई ए यूनियन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालोगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो वो बी बचेगा तुम्हारे पास। तो ये बस निकालनी थी, बी तो हमें गिवन था, ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, कैसे, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5। तो यहां से क्या करोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हें पता है 0.7, गजब कर दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा वो 0.2 आ जाएगा ये, ठीक है। बस ये आ गया, आई थिंक ये आ गया, बस यही अपने को निकाला था। आप क्वेश्चन इसमें देखो, तो इधर उधर भी हो सकता ही है ना, तो जो गिवन था हमें उस हिसाब से हमने बता दिया। एक अल्फा बीटा गामा करके भी क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट का यूज़ करके, अल्फा बीटा गामा करके क्वेश्चन था। एक हमें इक्वेशन गिवन थी एक्स क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फिर हमसे ये वैल्यू पूछा था डिटरमिनेंट की, अल्फा बीटा गामा। अभी कल ही शायद ये वाला सवाल अपन ने किया था, ध्यान होगा, गामा अल्फा बीटा इज इक्वलेंट ऑफ, ये साइक्लिक वाला पार्ट होता है, तो माइनस साइन के साथ ही आता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, ये है ना इसकी वैल्यू आती है। बाकी तुम सम ऑफ द रूट्स यहाँ से निकाल सकते हो, समेशन ऑफ टू एट ए टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो -9। इन सब वैल्यूज को क्या करना है, अब पुट करना, गेट गेट आंचल आंचल, ठीक है। एक एंट्रोपी का भी सवाल आया था, ठीक है, एंट्रोपी का, जिसमें कि डिक्रीजिंग करके 4 इक्वेशन गिवन थी, कि डिक्रीजिंग पूछा रहा कि कैसे डिक्रीज कर रही है, तो वो सवाल अभी है नहीं, बट ये सवाल था, वो बोला था ये। प्लेन की इक्वेशन से आया था, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो प्लेन की इक्वेशन से भी एक सवाल था ये, जो कि आ ही रहा अपने पास। और फिर उसके बाद तुमसे पूछा रहा कि कलर इन जेम स्टोन, कलर इन जेम स्टोन इज ड्यू टू, किसके लिए होता है, तो ये होता है 3D मेटल ट्रांजिशन इम्प्योरिटीज़ के कारण ये, है ना। कुछ ऑप्शंस थे, ऑप्शंस तो बच्चे ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है, सवाल ही मुश्किल होता है, तो ऑप्शन तो तुम समझ ही रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद जो था ना कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, NiCO42-, इसका क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ताकि तुम्हें आंसर्स पता हो। ये रिप्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक आयन करके भी आया था, एक बहुत ही इजी सवाल आया था फिजिक्स की तरफ से, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स पूछा था, ये तुम्हारा होमवर्क की तरह ले लेते हैं, सेकेंड वाला ये बनना चाहिए, पहला वाला तो मैथ्स वाला था, फिर ये फिजिक्स का रहा है। एंगल बिटवीन द टू मिरर्स टू बी टिल्टेड, बहुत ही आसान होता है ये, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, टू बी टिल्टेड जब नंबर ऑफ इमेजेस, व्हेन नंबर ऑफ इमेजेस आर 5, जब नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ रही हैं, तो कितने एंगल बिटवीन द मिरर्स, कितना ये टिल्ट किया होगा, नंबर ऑफ इमेजेस आ रही हैं 5, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करोगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट भाई साहब ऐसा पूछा कि स्पेसिफिक हीट
ऑफ ए बॉडी, देख रहे हो इतने सारे सवाल कलेक्ट हो जाते हैं, तुम बोलते हो अरे अरे सब बच्चों ने मेहनत करके तुम्हें दिए ये, है ना, देख रहे हो इतने सारे बढ़िया बढ़िया सवाल मिल जाते हैं। इज इन्फानाइट, तो अगर मान लो अपने पास स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इज ए इन्फानाइट, तो इसका मतलब होता है क्योंकि देखो कुछ कुछ ऑप्शन थे हीट इज टेकन आउट करके, है ना, तो इस टाइप के कुछ ऑप्शन थे, तो ये एक सवाल आया हुआ था ये, ठीक है, ये भी एक सवाल था। दूसरा, टू कोहरेंट जो है इनहर्ट बीम थी ये, तो दो लाइट बीम्स थी, कोहरेंट लाइट बीम्स, तो दो लाइट बीम्स थी अपने पास और उसकी इंटेंसिटी वगैरह पता थी कि एक है आई एक है फोर आई, ठीक है, इस टाइप का गिवन था, और सुपर इम्पोज भी थी, तो ये दोनों के दोनों लाइट जो है वो सुपर इम्पोज थी, सुपर इम्पोज थी। फिर पूछा था वॉट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी, समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं भाई साहब, इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, आई नेट करके एक फॉर्मूला होता है बचपन में पढ़े होगे, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू इन टू कॉस थीटा, हाँ पढ़े थे। तो मैक्सिमम और मिनिमम के केस में क्या आ जाएगा ना, आई नेट जो आ जाता है मैक्सिमम के केस में, तो कॉस थीटा जो आ जाएगा वन आ जाएगा उस केस में मैक्सिमम आ जाएगा, तो अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, तो उसको रख दोगे ये, जैसे ही रखोगे तो ये नाइन आई आ जाएगा, मतलब फोर आई और आई यहाँ पे रख देना। फिर मिनिमम के केस में क्या आ जाएगा पता है, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल का स्क्वायर, तो ये फोर आई रखोगे तो टू आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो आई नेट मिनिमम जो आ जाएगा वो आई आ जाएगा, आई नेट मैक्सिमम जो आ जाएगा वो नाइन आई आ जाएगा, देख रहे हो? तो ये था, बाकी तो हमने एंगल बिटवीन द मिरर तुम्हें बताया जो तुम्हें बताना है, और ये अपने शिफ्ट टू से ही चीज़ें चल रही हैं, ये बाकी आते हैं भी, और ये भी रुको जरा रुको जला, थोड़ा कलेक्शन में टाइम लगता है ना बच्चे, कलेक्शन तुम्हारे लिए कलेक्शन होता है, देख रहे इतना सारा कलेक्शन होता है कलेक्शन। अब नेक्स्ट भाई साहब शिफ्ट टू का, एक एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ एक प्रॉपर्टी का सवाल आया था, एडजॉइंट ऑफ ए से एक सवाल आया हुआ था, एडजॉइंट ऑफ ए कन्वर्स से एक सवाल आया था, जैसे मान लो पी इम्प्लाइज क्यू है तो इसका कन्वर्स वगैरह पूछा था, तो कन्वर्स राइटिंग उल्टा हो जाता है, तो ये कन्वर्स से एक सवाल आया था रीजनिंग की तरफ से ये। हाँ इस बार एक इन्फानाइट सोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया हुआ, ये इन्फानाइट सोल्यूशन के तरफ से आंसर था उसका, जैसे कि पूछा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी जीरो है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज जीरो, तो क्या आता है, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता तब ये नो सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। शॉन्डियर वेग से इक्वेशन था, बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन थे, किससे, बफर सॉल्यूशन की तरफ से सवाल था, शॉन्डियर वेव तो तुम्हें बता दिए, चिरालिटी पोसेस करके भी था उससे भी एक सवाल था जिसमें कि मिरर इमेज वगैरह सुपर इम्पोज वगैरह होता है, लिपिड्स से एक सवाल था, लिपिड्स क्या होती हैं, चलिए होमवर्क ले लेते हैं यार, ये तीसरा होमवर्क, बहुत सारा तुम्हें हमने बताया तुम भी बताओ लिपिड्स क्या होते हैं, होमवर्क की तरह लेते हैं, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, ऐसे ये दो ऑप्शंस करीब दिए हुए थे। मोलार कंडक्टिविटी पे सवाल था, मतलब गिवन नहीं है, मोलार कंडक्टिविटी पूछा था NH4Cl की, और कुछ डेटा भी अपने को गिवन था NH4OH करके, एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद ना यूरेनियम 235 एनर्जी रिलीज पर फिजन करके गिवन था, एनर्जी रिलीज पर फिजन, तो उसकी गिवन थी एनर्जी जो कि थी 200 MeV, समझ रहे हो। फिर पूछा था फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ, ऐसे करके पूछा था, फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235, कुछ इस टाइप का सवाल था ये, है ना, जैसे कि बच्चों को पता चला 8.2 × 10^10 करके आता है ये, ठीक है। आई थिंक ये सवाल हो गए, और फोर्थ शिफ्ट टू आई थिंक काफ़ी कुछ सवाल तुमने देख लिए फोर्थ शिफ्ट टू से, अब बारी आती है कुछ फोर शिफ्ट वन से, आई थिंक तुमने देख लिया किस टाइप के सवाल आए थे, है ना, देख पा रहे हो कि काफ़ी बढ़िया सवाल मिल रहे हैं अपने को, आइसोटोन साइक्लोन ये वो प्रोबेबिलिटी से सवाल, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंट्रोपी से, कलर पे, ठीक है। फिर उसके बाद टू कोवरेंट में दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं अपने पास क्या सवाल था। फिर अब जा रहा है शिफ्ट वन की तरफ, है ना, शिफ्ट वन, तो फोर्थ जुलाई शिफ्ट वन की तरफ मूव करता हुआ ये एक क्वेश्चन अपने को मिल रहा है, यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, क्या यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आइसोटोप्स का उसके, है ना,
ये पूछा गया था, ये तो ये सब सवाल पूछे गए थे। उसके बाद बॉडी बॉडी का भी था, 4 kg से मूव कर रहा है, और एक जो है 2D से भी सवाल था, 2D से, 2D से भी सवाल था। 2 पॉइंट अपन को गिवन थे, उसमें डिस्टेंस पूछा रहा, जैसे एक लाइन गिवन है किस रेशियो में डिवाइड करेगा एज टू बी में, 2 पॉइंट्स अपने को गिवन है, तो ये फॉर्मूला होता ही एक्चुअली, -ax1 + by1 + c / ax2 + by2 + c, तो ये फॉर्मूला लगाना था। इसमें एक्स वन वाई वन वगैरह गिवन था, ये अब वो है नहीं डेटा के साथ ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2 डिस्टेंस पे थे, प्रोबेबिलिटी और बी वगैरह गिवन थी, प्रोबेबिलिटी से भी एक सवाल था, आई थिंक प्रोबेबिलिटी से भी सवाल देखने को मिला, प्रोबेबिलिटी और बी। फिर उसके बाद एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के तरफ सवाल था, ये तुम ट्राई करना, देखो sin²x + 2sin x = 1, तो ये होमवर्क नंबर 3 ले लेते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद निकालनी थी वैल्यू cos² x + 16 cos²x + 4, ये ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, बस इसको ले जाना इधर, फिर 2 sin x की वैल्यूज यहाँ पे रखना, यू विल गेट ए आंसर ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो है THF LiEL H4 मिक्स करके कुछ था उसने सवाल में, एक बैलून से रिलेटेड भी था कि बैलून अगर इनफ्लेम हो रहा है इतने रेट से, तो वो टाइम वगैरह पूछा रहा, dV/dt वगैरह रिलेशन के बनता इनवर्सली प्रपोर्शन टू R, तो उससे भी एक सवाल आया था बैलून वगैरह से ये, ठीक है। तो ये कुछ सवाल दिए हुए थे, ये एक इंटीग्रेशन का भी सवाल था, इसको भी तुम ट्राई करना जरूर, 0 से π/2 x^4 × sin x dx, ये ठीक है। वैसे इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं, जैसे x^4 sin x है, तो तुम क्या करोगे, इसको बोलोगे डिफ्रेंशिएशन, इसको बोलोगे इंटीग्रेशन, ठीक है ये, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आ जाएगा 4x³, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12x, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 24x, ये 24, इसको इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा -cos x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा -sin x, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा cos x, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा sin x, ये फिर क्या करना, बस क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी इंटीग्रेट कर लो -cos x आ गया, फिर क्रॉस क्रॉस बस मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर आ जाएगा x^4 - cos x, ठीक है। यहाँ पे +, -, +, -, ठीक है, ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इधर साइड को डिफरेंशिएशन किए, इसको इंटीग्रेशन किए, तो ये क्रॉस क्रॉस फिर तो माइनस करते जाओगे, ऐड करते जाओ, देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन के साथ, जैसे ट्रिक किए 4x³ × sin x प्लस, इसको भी क्रॉस यहाँ पे ना, 12x² × cos x प्लस, उसके बाद -of 24x × sin x, ठीक है, उसके बाद -24 × cos x, ये आ गया। उसके बाद क्या करना, एक बार π/2 एक बार 0, अगर यही सवाल है तो, ठीक है। तो ये एक सवाल देखने को मिला अपने को, उसके बाद आई थिंक कि ये वाले पार्ट में है, और एंट्रोपी वाला बताई दिए थे, इंटीग्रेशन के सवाल बताई दिए थे, NiCO4 वाला तुम्हें बताया शिफ्ट 1 से, उसके बाद ये वाला सवाल वापस बार बार आ जा रहा है, x^n y^n = x + y^m + n, ये 50 बार आएगा पता नहीं, निंजा शॉर्ट्स में मैंने बताया था dy/dx = y/x, खत्म है ना, ये 4-5 बार आ गया, उनका फेवरेट सा बन गया ये। फिर पूछा रहा कि ores from copper and zinc आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज CuFeS2, कॉपर पाइरेट है ना, ये कॉपर पाइरेट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक इंसेंट्रिसिटी पे भी था एक सवाल, इंसेंट्रिसिटी गिवन थी, और डिस्टेंस बिटवीन किस पे, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकी इज गिवन एज 16, तो हमें कुछ इक्वेशन वगैरह निकालनी थी हाइपरबोला की, तो डिस्टेंस निकालोगे देखो ये ऐसे आ जाएगा AE - A/E = 16, ये फिर यहाँ पे रख दो ये, तो 3/4 × A, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ किया है, -4/3 × A ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे देखो ये आ जाएगा, तो हमने गलत दिखाई है, A/E - AE आ जाएगा ये, A/E - AE, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे देखो ऐसे आ जाएगा 4/3 - 3/4 = 16, तो A की वैल्यू आ जाएगी 16 × 3 × 4 / 7, ठीक है। तो ये A की वैल्यू आ गई, अब B की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे करके B² = A² × E² - 1, ये खत्म।
तो ये ए आ चुका है, ई आ चुका है, तो इक्वेशन बस निकालनी थी, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बन गया। थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है। टॉलेंस टेस्ट के ऊपर एक सवाल आया था, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट, तो एक बार उसे देख लेना केमिस्ट्री में, टॉलेंस टेस्ट के ऊपर था ये। मैग्नेटिज्म से दो सवाल, टॉर से दो सवाल, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व का था, पैराबोला और लाइन पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ, किस पे, पैराबोला और लाइन पे। तो एरिया अंडर द कर्व से तो सवाल आ ही रहे हैं ये, तो डेफिनेटली एक बार डू चेक इट आउट सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि फिर तुमने जो है पढ़ा नहीं था, वैसे पढ़ के गए थे, काफ़ी लोगों का तो अब एग्जाम सब ओवर भी हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये एक बार जो है VIT का आप एक बार थर्ड शिफ्ट का पेपर अपन देख लेते हैं किस टाइप का आया था ये, वही सेम ही पैटर्न ही फॉलो कर रहा है ये, LRD इंग्लिश वगैरह, ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन सर प्रोबेबिलिटी से थे, पाई चार्ट से थे, प्रोबेबिलिटी सेम, इलिप्स कॉन्फोकल वाला क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन कराया होगा इलिप्स और हाइपरबोला कॉन्फोकल वाला, सेम सवाल वापस रिपीट हुआ है ये, देख रहे, बताते हैं इसलिए फॉलो कर लो जीवन को ये, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री वाले सवाल आए थे डायरेक्ट, एक रेड्यूसेबल LD का भी सवाल आया था ये, उसने लिखा है रेड्यूसेबल LD से तरफ से भी सवाल आया ये, ट्रांसफॉर्मर की तरफ से एक सवाल, तो ट्रांसफॉर्मर की तरफ से एक सवाल ये, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैंने पिछले बार भी बताया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की तरफ से एक सवाल, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की तरफ से ये, क्लोरोफिल के तरफ से एक सवाल, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन का सवाल था, थोड़ा आसान सवाल, 0 से लेके π/2 cos x dx अपौन 4 + sin x एंड 2 + sin x, ये काफ़ी आसान सवाल। देखो मैं बता देता हूँ कैसे तुम स्टार्ट करोगे, सिर्फ साइन एक्स को टी लेना और बाकी ख़त्म करते जाना जीवन, ऐसे करके देखो 0 से लेके 1 dt और ये आ जाएगा 4 + t 2 + t ख़त्म, ठीक है। इसको सॉल्व जरूर कर लेना ये वाले पार्ट को, तो आई थिंक ये आसान है। तो काफ़ी कुछ तुमने देखा ना, है ना, फिर भी हम देख लेते हैं बाकी, आई थिंक जितने भी थे मैंने मैक्सिमम सवाल वैसे हर बार ही अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो, ये है ना, होता है कि नहीं भैया। बहुत स्टार्टिंग से अपन ने बच्चे एक एक सवाल तुम्हें करा, देखो कॉन्वेक्स के रेडियस से आया था, ये आया था मैथ्स के 3D से बहुत सारे क्वेश्चन, इलिप्स से दो क्वेश्चन फोकस से थे, इंग्लिश में सिंपल रीडिंग करके था, पाई चार्ट से था, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे, समझ रहे हो, इस तरीके से सवाल आ रहे हैं ये 0 से लेके 2π का, जब है ना, विच हैज़ द हाइएस्ट बॉलिंग पॉइंट, ये अब देख लो, ये आई थिंक ये और एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में पूछा था कि एलिमेंट कौन से प्रेजेंट होंगे, तो वो एक बार देख लेना क्लोरोफिल पे ये, ठीक है। विच हैव अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, तो 2-3 ऑप्शंस थे ऐसे करके, Mn+4 Cr+3, तो इस टाइप के ऑप्शन गिवन थे ये, बाकी आई थिंक नहीं है चीज़ें ये। कॉइन वगैरह पे भी सवाल था, अनदर बायस्ड कॉइन, एक कॉइन था उस टाइप का भी था, टेक्स्ट बुक से करके जाना ये बोला था ये, ठीक है। आई थिंक काफ़ी कुछ अपन ने देख लिया ये, है ना, सवाल तो अब जो है इतने अब किए तुम, जितने भी हमने सवाल भेजे, कुछ और भी सवाल आते तो टेलीग्राम में हम तुम्हें बताएंगे। बाकी मेक श्योर जो भी हमने स्ट्रैटेजी बताई उसको एक बार ढंग से देख लेना, काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, कभी कभी हो जाता है डायरेक्टली रिपीट कर जाता है, ठीक है। फिर मिलेंगे, मचाएंगे, टेल दैट ऑल द बेस्ट टू द एवरी वन।